हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनवायरनमेंट का पार्ट टू। इसमें हम आप भारत के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% बनेगा, एक या दो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा यहाँ से आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है तो उतना आप देखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो सिर्फ इतना ही आप याद कर लीजिए, उतना ही काफ़ी है। देखिए, बात करते हैं भारत के वन्य जीव अभयारण्य। भारत में विश्व का लगभग 5% वन्य जीव है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, ये आपको पहले बता दिया। जब इससे पहले वाली वीडियो में उसमें आप मैंने आपको और भी अधिनियम बताए थे, वो भी आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो आपके हैं वो क्या होते हैं, सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होते हैं यहाँ पे, और सभी प्रकार के मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है इसमें, और टोटल कितने 105 है राष्ट्रीय उद्यान अपने पास। पूछा जा सकता है कि सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होते हैं और 105 होते हैं, आपके क्या हैं? राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है, जय मंदिर आरक्षित क्षेत्र है, तो वहाँ पे आपको आंसर लिखाना है राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखिए, वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है, निजी कार्य की अनुमति होती है यहाँ पे आपकी, मतलब कोई भी प्राइवेट वर्क कर सकता है यहाँ पे, और सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं होती है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि ये इतना ही है, इसका बस भी कोई लिमिट नहीं है। ये सिर्फ एक बोला जाता है कि यहाँ से इस रेंज में आपका वन्यजीव अभयारण्य है। उसके बाद देखा तो भारत में कितने 532 हैं टोटल। उसके बाद देखते हैं जय मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हमारे, इसमें क्या होता है आपका सरकार द्वारा नियंत्रित होता है लेकिन कुछ जगह पर निजी कार्य कर सकते हैं, तो ये इन दोनों के बीच का है आपका। उसके बाद देखिए, इसमें जो संपूर्ण स्थायित्व होता है पारिस्थितिकी तंत्र का होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि संपूर्ण स्थायित्व किस में होता है, तो आपका जय मंडल आरक्षित क्षेत्र में होता है। इसके बारे में इतनी डिटेल में घुसने की आपको जरूरत नहीं, इतना ही आपको याद रखना है। और पारिस्थितिकी तंत्र किस में होता है, वो आपका जय मंडल आरक्षित क्षेत्र में होता है। टोटल कितने हैं आपके, ये 18 हैं टोटल। पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं आपके, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो आपको ये याद रखना है। देखेंगे संक्रमण क्षेत्र क्या होता है आपका। संक्रमण क्षेत्र आपका होता है जहाँ पे आपका निजी कार्य की अनुमति होती है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको दो वर्ड यूज किया जाता है, एक हो जाता है बफर और एक किया जाता है कोर क्षेत्र। देखिए बफर पर कर सकता है और लेकिन कोर क्षेत्र पर नहीं कर सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि जो संक्रमक क्षेत्र होंगे वहाँ पे आपके बफर पर कर सकता है वो काम वहाँ पे निजी कार्य, और लेकिन कोर क्षेत्र पे ये काम वो नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए अगला आपके पास क्या है, जो आपके राष्ट्रीय बाघ संरक्षण नियम है वो कब निकाला गया था, 1973 में नागार्जुन में है, मतलब नागार्जुन आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। मगरमच्छ संरक्षण कहाँ पे आपका, कब निकाला गया था, 1974 में। हाथी संरक्षण 1992 में, ये क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। गिद्ध संरक्षण का 2006 में, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, देखिए कि किसके कारण ये संरक्षण हुआ, दुधारू के कारण, और क्या हुआ था इसमें जो गाय थी उनके दूध को उत्पादन ज़्यादा करने के लिए उनको एक केमिकल दिया जाता था, जो फिर अगर उस केमिकल को खा के अगर वो मर रही हैं तो उसको फिर गिद्ध खाते थे तो गिद्ध मर रहे थे, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है दुधारू के कारण हुआ था गिद्ध संरक्षण। तो इसके लिए कौन सा आपका जो इसको केमिकल भी बोल सकते हैं, इसको उस दवाई का नाम भी बोलते हैं, तो इसका नाम है आपका डाइक्लोफेनॉक, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कब हुआ था, 2009 में, राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया उसके बाद इसको। उसके बाद देखिए अगला, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका, जिम कॉर्बेट, जिसको पुराना नाम आपका हेली नेशनल पार्क है, जो कि आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक कहाँ पे हैं राष्ट्रीय उद्यान आपके, मध्य प्रदेश में है, इसको आपका टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए सबसे मेन है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन आपका पीछे से बनेगा, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ से आपको देखिए, जो हिमिस है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, एक चीज़ ये याद रखनी है, और जो किश्तावड़ है और सलीम अली है और दांचीग्राम है, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद देखिए शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये आपके हिमाचल में है। जिम कॉर्बेट, राजा जी, नंदा देवी और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये आपका उत्तराखंड में है। सुल्तानपुर झील अभयारण्य आपका हरियाणा में है। धानारक्षी बिहार, रणथंबोर और सरिस्का आपका राजस्थान में है। गिर वन, यहाँ पे एशियाई शेर होते हैं, पूछा था कि एशियाई शेर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो गिर वन में पाए जाते हैं। और कच्छ का रण क्षेत्र जंगली गधों के लिए, ये गुजरात में है। उसके बाद देखिए जो तेज है महाराष्ट्र और MP दोनों में है, मतलब ये बीच में पड़ता है आपका, और सह्याद्री आपका महाराष्ट्र में है। दुधवा, पीलीभीत और चंद्रपाव आपका उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, बिहार में। बिहार में एक और है, ये जो कैमूर लिखा है ये दूसरा है यहाँ पे, तो ये दो चीज़ें आपको याद करनी है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए डेल्टा सुंदरबन आपका बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, तो पश्चिम बंगाल में है, और ये भी याद रखिए कि गंगा नदी के किनारे पर है। कंचनजंगा जो है आपका वो आपका सिक्किम में है। काजीरंगा, मानस और उड़ांग, ये आपके असम में है।
जो काजीरंगा है वो एक सींग के गैंडा के लिए फेमस है। उसके बाद देखिए नामदफा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, नोकरेक आपका मेघालय में है, जो नम्फा है वो मिजोरम में है, पन्ना, पंचमणी, पेंच, कांडा, सतपुड़ा और बांधवगढ़ ये आपके मध्य प्रदेश में है। आचान कमर इंद्रावती आपके छत्तीसगढ़ में, और उसके अलावा आपके कुछ और हैं जैसे सिमलीपाल है, भीतरकनिका है और चिल्का है। चिल्का आपका खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और सतकोसिया है, ये आपके उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए नागार्जुन सागर कृष्णा नदी के पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अभी ये भी पूछा जाता है कि कृष्णा नदी पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो आपका नागार्जुन सागर है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। मन्नार की खाड़ी इंदिरा गांधी ये आपके तमिलनाडु में है। उसके बाद पेरियार और शांति घाटी आपका केरल में है, और बांदीपुर नीलगिरी कर्नाटक में है, गोवा आपका महावीर जहाँ पे मतलब महावीर गोवा में आपका। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जितने भी ये हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, कम से कम ये 300 आपको दिखाई दिया कि कितने यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 105, 532 और 18 को टोटल करेंगे तो इतने सारे हो जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतने याद रखने हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर देखेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और ये